जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ठंड भरी वादियों के बाद अब सेब की पैदावार 45 से 46 डिग्री तापमान में जम्मू के कंडी बेल्ट में होने लगी है। दरअसल सेब की पैदावार कश्मीर या हिमाचल की सर्द वादियों में ही होती थी, जिसमें कश्मीर का ही सेब लोग ज्यादा खाना पसंद करते थे। मगर जम्मू में सेब की पैदावार होना किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं। सांभा जिले के विजयपुर तहसील के राजडी गांव के साहिब बंदगी आश्रम, जो कि नेशनल हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, साहिब बंदगी आश्रम के बाग बगीचों में भारी मात्रा में सेब की इस किस्म की पैदावार हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां कश्मीर में मात्र 20 डिग्री तापमान पर सेब की पैदावार होती थी, मगर जम्मू में यह पैदावार 45 डिग्री तापमान पर हो रही है। आश्रम में 500 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए हैं। बता दें कि सांभा जिले के कंडी इलाके में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है। इसकी वजह से किसानों को खेती बाड़ी करने में परेशानी होती है। कई बार तो पानी की कमी होने के कारण फसलें भी नहीं उगती हैं। स्वामी मधु परमहंस जी ने बताया कि हमारे पास 4 बाग हैं। एक एक बाग 2 एकड़ का है। सेब का एक पेड़ लगभग 1 क्विंटल फल देता है। आश्रम में हर साल लगभग 250 से 300 क्विंटल सेब की पैदावार होती है। किसानों को संदेश देते हुए साहिब जी ने कहा कि किसान कंडी इलाके में इस सेब की पैदावार को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें मिट्टी की जांच भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका दावा है कि न सिर्फ जम्मू में बल्कि देश भर के किसानों के लिए यह एक अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर में अगर 20 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाए तो सेब की फसल खराब हो जाती है, मगर जम्मू में हार्मिन 99 प्रजाति के सेब की फसल 45 डिग्री तापमान पर भी जिंदा रह सकती है। एबीडी न्यूज़ के लिए दलजीत सिंह की रिपोर्ट। हिस्सा है ये कश्मीर से हम लाए हैं और ये ऊपर वाला यहाँ से हमने उतार कर डाला है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक तरह से क्रॉस ब्रीड, जैसे ऑस्ट्रेलियन लोगों ने फिर गाय को क्रॉस किया ना सुअर के साथ, इस तरह ये एक तरह से ऐसी क्वालिटी है कि सेव का सेव है, विकास का मल्टी है। इसमें मैंने अभी एग्जांपल दिया अलीगढ़, उसने से आम की कलम अमरूद के पेड़ पर लगा दी, उसका टेस्ट लाजवाब है। सोकर के सेब को ये टक्कर दे देगा। अमेरिका का सेब बहुत मशहूर है, इसका मल्टी टेस्ट है, जब आप खाकर देखेंगे आपको पता चलेगा। ये गांव रांगड़ी जो तहसील बीजेपुर और डिस्ट्रिक्ट सांबा में है, यहाँ से जम्मू सिर्फ 22 किलोमीटर है, हाईवे 2 किलोमीटर है। यहाँ पर ये हैं और ये हमने 4 बगीचे ऐसे लगाए हैं। आगे हम प्लान कर रहे हैं ये फल को और भी ज़्यादा विकसित करने का। ऐसे करीब 500 पौधे हमारे यहाँ हैं, इसमें करीब करीब हम 200-250 कुंटल सेब निकालते हैं। ये बहुत बड़ी बागवानी है सेब की और ये सेब बड़ा मल्टीपल टेस्ट है इसका और इसमें बहुत कठिन परिश्रम किया गया है। हमारे किसान भाइयों ने, सत्संगियों ने यहाँ पर रात दिन मेहनत करके इसको एस्टेब्लिश किया। इसकी खूबी ये है विशेष के 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान के अंदर ऐसे पेड़ कहीं भी नहीं है। ये हमारा बगीचा भारतवर्ष का कश्मीर को छोड़कर सबसे बड़ा और सबसे सुंदर, सबसे फलित बगीचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, वो आप खुद भी देख रहे हैं। इस सेब में बहुत ताकत है। इस गर्मी के मौसम में फ्रेश सेब नहीं मिलते हैं, जो स्टोर के सेब हैं उनके अंदर रस नहीं रह जाता है। ऐसा फ्रेश सेब ऐसे मौसम में मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कश्मीर के सेब अक्टूबर के आसपास उतरते हैं, हमारा ये सेब मिडिल ऑफ मई से शुरू होता है उतरना और एंड ऑफ जून तक चलता है। बगीचे को हमने इस्टेब्लिश करने में पहले बहुत बड़ी ताकत लगाई है, बहुत एनर्जी लगाई है और काफ़ी नुकसान भी हुआ, पेड़ मुरझाए भी, लेकिन फिर एक्सपर्ट हमारे सत्संगी थे, उनसे परामर्श करके हमने आइडिया लिया, अब हमें इसका अनुभव हो गया है। मैं लोगों से कहता हूँ आप आएँ, अगर आप ऐसा कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो यहाँ जम्मू शहर में एक आदमी ने इनकी नर्सरी भी लगाई है, वो कश्मीर से लाता है। ये नीचे वाली टहनी कश्मीर की है, जो ऊपर वाली टहनी है वो इनमें से काट कर प्यून किया है, वो भी आप वहाँ देखे थे। इस तरह से आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, अगर 2-3 पेड़ आपने लगा दिए तो रोज़ एक फल आप ये ले सकते हैं। ज़्यादा मार्केट में हम नहीं भेज रहे हैं और इसमें हम काफ़ी बांट भी देते हैं लोगों को, थोड़े बहुत हम बेच देते हैं लेकिन बड़े सस्ते बेचते हैं, 100 रुपये किलो में, बाज़ार में 200 रुपये किलो है, ताकि इसका खर्चा निकल जाए। किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप इस टेक्नोलॉजी को समझें और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे, क्योंकि ये पेड़ आपका कोई नुकसान नहीं।